उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के हंडिया में महामाया राजकीय महाविद्यालय धनुपुर प्रयागराज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को प्राचार्य डॉक्टर शुभा जोशी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। NSS के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर आदित्यनाथ के नेतृत्व में रैली महाविद्यालय से निकलकर धनुपुर, किराव, कैथापुर आदि गांव से होते हुए महाविद्यालय पहुंची। रैली में सम्मिलित छात्र छात्राओं ने खेत खलिहान में काम कर रहे लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। रैली के महाविद्यालय में पहुंचने के बाद छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया, जिसमें प्राचार्य सुभाष सिंह जोशी एवं महाविद्यालय के प्रधानाध्यापकगण सहित सम्मिलित रहे। वहीं पर युवा छात्र छात्राओं ने जागरूकता का संदेश देते हुए कहा कि किसी को गिफ्ट देने के बदले यदि पौधा दिया जाए तो साथ ही साथ पौधा लगाया जाए तो निश्चित तौर पर पर्यावरण प्रदूषण से बचाया जा सकता है। इस अवसर पर डॉक्टर संजय प्रसाद शर्मा सहित अन्य लोग भी शामिल रहे। मैं डॉक्टर आदित्यनाथ, NSS प्रभारी, कार्यक्रम अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय धनुपुर। आज NSS के बच्चे स्वयं सेवक और स्वयं सेविका धनुपुर ब्लॉक में पर्यावरण जागरूकता रैली और गमले पौधे जो गमले में लगाया गया है उसका आज शुभारम्भ किया है। हमारा एक अर्ध दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें रैली निकाली गई। पर्यावरण के जागरूकता रैली के माध्यम से हम क्षेत्र के सामान्य जनता को यह बताना चाहते हैं कि पर्यावरण को शुद्ध रखना हमारा कितना दायित्व तो है। हम लोग पौधों से ऑक्सीजन मुक्त की लेते हैं, उसमें हमको उनको बचाना ज़रूरी है। हम किचन में गैस पैसे से लेते हैं, मुफ्त में जो ऑक्सीजन हमको देते हैं उनको हमको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो पर्यावरण रैली के माध्यम से हम क्षेत्र को यह अपने बच्चों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमको हम इनकी सुरक्षा, इनका रख रखाव और इनकी हमारी धरोहर है, इनको बचाना है।